कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से विश्व के कई देश परेशान हैं। इस घातक वायरस से निपटने के लिए भारत समेत कई देशों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था लागू की गई। परिवहन के भी सभी साधन भी लॉकडाउन में पूरी तरह से बंद हैं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने चुनिंदा शहरों के लिए रेल सेवा शुरू की है। कोरोना काल में यात्रा के दौरान कई चीजों का खास ध्यान रखना होगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि रेल यात्रा करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। यात्रा के दौरान हमेशा मास्क पहने रहें, इसके साथ ही आप अपनी सुरक्षा के लिए दस्ताने भी पहन सकते हैं। यात्रा करते समय अपने साथ कम से कम 2 से 4 मास्क जरूर रखें। किसी एक मास्क को 4 घंटे से अधिक ना पहने। यात्रा करते समय अपने साथ हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें। वैसे रेलवे की ओर से सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी, इसके बावजूद अपना सैनिटाइजर रखें और समय समय पर हाथ को सैनिटाइज करते रहें। यात्रा के दौरान रेलवे की तरफ से आपको चादर और कंबल नहीं दिया जाएगा। ऐसे में बढ़िया रहेगा कि अपने साथ चादर और कंबल जरूर लेकर जाएं। अगर आपका सफर लंबा हो तो घर का बना हुआ नाश्ता और डिब्बा बंद चीजें ले जाएं। रेलवे स्टेशन या गाड़ी के अंदर प्रवेश करने के बाद किसी भी अनावश्यक चीजों को छूने से बचें। अगर किसी चीज को आप गलती से पकड़ भी लेते हैं तो हाथ धोएं या सैनिटाइज करें। रेलवे यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपने सहयोगी से भी उचित दूरी बनाकर रखें। अपने साथ यात्रा कर रहे सहयोगी को भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की सलाह दें और अपनी सीट को छोड़ किसी अन्य जगह पर ना बैठें। कई लोगों की आदत होती है कि वो चलती रेल में दरवाजे पकड़कर खड़े हो जाते हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि न जाने कितने लोगों ने उस दरवाजे को पकड़ा होगा जिससे संक्रमण का खतरा हो सकता है। जब भी पीने का पानी खरीदें तो उसे यूज करने से पहले अच्छी तरह धो लें। हो सके तो 1 घंटे में अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। यात्रा करते समय अपने चेहरे, नाक और मुंह को छूने से बचें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें ओनली माई हेल्थ।